यहाँ से मंडी सादिकगंज 3 किलोमीटर रह गया। बारिश हो रही थी तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक गए हैं, तो अभी यहाँ से बस निकलते हैं। मंडी सादिकगंज का ये रेलवे स्टेशन 1892 में तामीर हुआ था, बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हम मंडी सादिकगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है, तकरीबन 130 साल पुराना। 1892 में ये रेलवे स्टेशन तमीर हुआ था। उसके बाद से यहाँ से ट्रेनें पाकिस्तान से हो के और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में जाती थी। यहाँ से दोस्तों ट्रेनें आके पाकिस्तान के इस पुराने स्टेशन पर क़याम करती थी और आगे इंडिया के बहुत से इलाकों में जाती थी। यहाँ से आज़ादी से पहले की ये बात है और आज़ादी से पहले के ये रेलवे जंक्शन है। दोस्तों इसका पुराना नाम मैक्लोडगंज रोड जंक्शन था, जो कि कागज़ों में 1940 के कागज़ों में भी दर्ज है। आइए आपको अंदर चल के इसकी सैर करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अब आ चुके हैं इसके अंदरूनी साइड पर। आप देख रहे हैं बहुत ही पुरानी इमारत है और ये अभी बारिश का मौसम था तो इस साइड पर आते हैं। यहाँ पर क्वार्टर वगैरह भी इन्होंने बनाए हुए थे जो पुराने रेलवे मुलाजमीन के लिए थे। तो अभी यहाँ का जो हाल है वो आप देख रहे हैं, बहुत ही पुराना है। ऊपर छतें और ये फर्श वगैरह इतना पुराना पुराना है। ये बाहर मंडी सादिकगंज, ये पुराने रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये उसका एरिया आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये 1892 में तमीर हुआ और 1922 से लेके 1933 तक, जब यहाँ पर पूरा जो नहरी निज़ाम था दरियाए सतलुज का, वो यहाँ पे सेट हुआ, तो उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा तकवीत मिली। वो भी आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगा। ये देखें दोस्तों, ये किरायानामा जो कि जिस जिस शहरों में, पाकिस्तान के जिस जिस शहरों में ये गुज़र के जाती थी, भोलेवाला, अमरू का, बहावल नगर, और यहाँ से वो दोस्त जो मुसाफिर थे, हजरात थे, वो यहाँ पर टिकटें लेते थे। टिकट काउंटर है ये। हर पुराने कदीम जो आप रेलवे स्टेशन देखते हैं, पहले भी मैं एक अमरू का रेलवे स्टेशन की भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो भी आप विज़िट करें चैनल पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो भी ऐसे कदीम और इसके जो हालत है वो भी बहुत पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब रेलवे का जो कुछ निज़ाम है या जो रेलवे की जो पटरी हैं वो अभी उखाड़ी जा रही हैं, इन पर अभी काम नहीं हो रहा, तो इसलिए ये जो इमारत है ये बहुत ही खासी पुरानी हो गई है। 130 साल पुरानी इमारत है। तो यहाँ से लोग टिकट लेते थे, ये टिकट घर है जैसे, इसको ये काउंटर वगैरह ओपन होता था, जाली आगे लगी हुई है, इस जाली को अंदर से आगे वो खिड़की जो लकड़ी की है, इसको अगर हम वो खोल दें, ये वाली, यहाँ से इसको खोल देंगे आगे, तो आप यहाँ से टिकट आप अपनी ले सकते थे। दोस्तों ये उनके टिकट घर में जो काम करते थे, यहाँ से दरवाजे से गुजर के वो अंदर चले जाते थे और अपना काम करते थे। अभी ये पुराने दरवाजे हो चुके हैं और छतें वगैरह आप देख रहे हैं टूटी फूटी हैं। इतना यहाँ पे कोई बजट वगैरह तो अलॉट होता नहीं है, क्योंकि अभी ट्रेनें फंक्शन है ही नहीं, काम चल ही नहीं रहा, तो इस वजह से जो जिस इलाकों में से गुजर के दूसरी ट्रेन जाती थी वो इस यहाँ पर लिस्ट में हैं पूरे, आप इसको देख सकते हैं। भोलेवाला, अमरू का, बहावल नगर, मदरसा, चिश्तियाँ, हासलपुर, बगदाद, सम्मा सट्टा जंक्शन और मिंचन आबाद, और फिर दूसरा ट्रैक भी यहाँ पे था। दो ट्रैक हैं, वो भी मैं यहाँ पे आगे चल के आपको दिखाता हूँ। नवाबशाह यानी कराची वाली साइड और हैदराबाद वाली साइड पे भी ट्रेन यहाँ से गुजर के जाती थी, और जो भी गाड़ियों के किराए वगैरह वो यहाँ पे अपडेट कर दिए जाते थे। ये आहिस्ता आहिस्ता 1933 से ले कर 1940 तक यहाँ पे जो मुसाफिर हजरात थे वो यहाँ पे आ जाते थे, और यहाँ पे किसी को अगर टाइम होता था वो यहाँ पे क्याम भी कर लेता था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब 1930 से ले कर 1940 तक, जब हम यहाँ पे जो सतलुज का जो नहरी निज़ाम है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा था, तो तब यहाँ पे इन्होंने ना इसकी जो हिस्ट्री, मंडी सादिकगंज की हिस्ट्री के बारे में एक किताब में उन्होंने लिखा है कि जो नवाब ऑफ बहावलपुर थे, स्टेट के राजा महाराजा थे, वो इसने अपने सारे इस पूरी रियासत बहावलपुर में अलग अलग मंडियों का क़याम कर दिया। तो उन मंडियों में से एक मंडी, ये मंडी सादिकगंज भी है, यहाँ पे ये मंडी सादिकगंज बनी, तो ये रेलवे स्टेशन को तब से इसका नाम मंडी सादिकगंज रेलवे स्टेशन हो गया, जबकि पहले इसका नाम मैक्लोडगंज रोड जंक्शन था, जो कि 1940 के जो किरायेनामे वाले कागजात है वहाँ पे था। ये आप देख रहे हैं बड़ी सख्त मजबूत लकड़ी पुराने ज़माने की है, अभी तक लकड़ी को ज़रा भी घुन नहीं खाया, तो उसी के वैसे छत है, दरवाज़े और इसके हालत जो आप देख रहे हैं वो खस्ता ही है। इसकी जो ऊपर वाली ओवरऑल बिल्डिंग है उसकी भी हालत इतनी कोई खस्ता नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, हल्की हल्की बारिश अभी हो रही है, लेकिन ये मैं आपको यहाँ पे उसकी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, जब ये जो
रेलवे स्टेशन था, बना था। ये देखें दोस्तों, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1892 में ये तमीर हुआ था। 130 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बॉर्डर के करीब दोस्तों हम इस वक्त खड़े हैं। मंडी सादकगंज साउथ पंजाब में ज़िला बहावल नगर में है वाक़या, और ये बहावलपुर रियासत का एक बहुत ही जो कदीम जो आप बिल्डिंग इस वक्त देख रहे हैं आपकी स्क्रीन में सामने, इतनी पुरानी ये बिल्डिंग है दोस्तों। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो रेलवे के मुलाजमीन दो लोग उन्होंने रखे हुए हैं वो आ जाते हैं सफाई वगैरह करने के लिए, और टिकटों वगैरह का जो अपना इनका वो जो अंदर वाला कमरा है वो भी दिखा देते हैं दोस्तों। जैसे जैसे ये दो एक ट्रैक ये जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जाता था, यानी बहावल नगर ये वाला वो ट्रैक है ये वाला, और दूसरा जो साथ वाला ट्रैक है दोस्तों वो हैदराबाद, जैसे कि हमने अंदर देखा हैदराबाद कराची वाली साइड पे जाता था। और ये पूरा इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं ऐसे सुनसान ही पड़ा हुआ है। मैं आपको दोस्तों लेके चलता हूँ पानी वाली टैंकी की तरफ, क्योंकि जब ट्रेनें चलती थी 1892 में तब स्टीम इंजन हुआ करते थे। स्टीम इंजन में पानी भरने के लिए मुख्तलिफ जंक्शंस पर इन्होंने टैंकियाँ बना दी थी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस जंक्शन को। वो कह देते थे कि जब भी ट्रेन आके रुका करेगी, मुसाफिर उतरेंगे, कोई 5-10 मिनट का जो क्याम होता था तो टैंकियां फुल कर देनी है, जो टैंकियां होती थी पानी फुल कर देना है पूरी ट्रेन में। तो इन्होंने मुख्तलिफ ट्रेन स्टेशनों पर अपने तालाब बना दिए थे, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ दोस्तों। एक यहाँ पर बड़ी मोटी टैंकी इन्होंने बना दी है, और बड़ी वो टैंकी इतनी कदीम है और इतनी ऊँची थी कि वहाँ पर 170 टन पानी, लीटर टन पानी वहाँ पे जमा हो सकता है। ये जो टैंकी आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो एक गुंबद नुमा, करीब जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये इलाका सारा हेडक्वार्टर्स इनके हुआ करते थे ये टैंकी दोस्तों। और ये साथ वाला जो आप देख रहे हैं ये तालाब पानी का जोहड़ है, यहाँ पे पानी ज़्यादा हुआ करता था और ट्रेन यहाँ से पानी भर के स्टीम के इंजन में डाल देती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको पानी जितना चाहिए होता था। और ये गल्ला, जो गल्ला मंडी जिसको कहते हैं ना गल्ला, यहाँ पे उस ट्रेन आके रुका करती थी और इन गल्लों में वो अनाज भर दिया जाता था जो ट्रेन जो लाती थी जो गल्ला, क्योंकि भावलपुर रियासत के नवाब ने ये ट्रेन में जो गल्ला डालते थे तो उन्होंने कहा था मंडियाँ कायम कर दो। जैसे ही नहरी निज़ाम 1940 के बाद बहुत ज़्यादा तरीके से कामयाब हुआ तो नवाब ने जो मंडियाँ कायम की थी वो इसलिए कायम की थी क्योंकि जो ज़मीन थी वो ज़्यादा काश्त होने लग गई थी और उसमें जो भी गल्ला होता था वो बहुत अच्छे दाम देता था, तो उनको फिर इन्होंने ये मंडियों में भर देते थे और गल्ला बना दिया और ट्रेनें यहाँ पर रुकती थी, गल्ला उतरा और उनको गोदामों में भर दिया। ये दोस्तों ट्रैक जा रहा है दोस्तों पाकिस्तान से होके इंडिया की तरफ, इंडिया के अमृतसर से होता हुआ, फिर फाजिलका से होता हुआ पाकिस्तान में एंटर होता था अमरूका स्टेशन से, और फिर अमरूका स्टेशन से ये इस स्टेशन पे जो आप इस वक्त देख जिस पे हम खड़े हैं, जो आप देख रहे हैं मंडी सादकगंज स्टेशन पर, ये वो टैंकी है पानी की जो भर दी जाती थी और स्टीम के इंजन को यहाँ से पानी प्रोवाइड कर दिया जाता था। और जो दोस्तों लैट्रीन होती हैं उसमें बनी हुई ट्रेन में, उसमें जो पानी वगैरह भरना होता था वो भी इस टैंकी से भर दिया जाता था। तो ये वो स्टीम इंजन के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता था दोस्तों। मैं आपको बताता चलूं कि जब भी ये पुराने रेलवे स्टेशन जो होते थे उनको यहाँ से लेके ये पूरा इन्होंने इलाका, यहाँ ट्रेन होती थी यहाँ पर उन्होंने डेड एंड भी लगा दिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब यहाँ ये ट्रेन का डेड एंड था, कुछ ट्रेन यहाँ पे आके बिल्कुल रुक जाती थी, ये जंक्शन हुआ करता था जहाँ से ट्रेन को मोड़ा भी जा सकता है, तो वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, वो भी आपने गौर से देखना है। ये मंडी सादकगंज का रेलवे स्टेशन आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ से जो ट्रेन है वो पानी भर दिया जाता था और उनकी लैट्रीन को जो पानी चाहिए होता था वो भी वॉशरूम वगैरह के लिए यूज़ हो जाता था। और ये इंडिया का इलाका, बॉर्डर का इलाका आगे है, क्योंकि यहाँ से फाजिलका बहुत ही करीब है, फाजिलका में ट्रेन एंटर हो जाती थी और पाकिस्तान के जो आखिरी स्टेशन है अमरूका से होती हुई फाजिलका में एंटर हुई और आगे फाजिलका से अमृतसर से और फिर बठिंडा बेसिकली जो शहर था वहाँ से होती हुई इंडिया में एंटर होती थी। तो ये वो ट्रैक था जो आपने देखा, ये पाकिस्तान वाली साइड से होके आगे इंडिया की तरफ ट्रैक ये वाला जाता है, और जो साथ वाला ट्रैक है दोस्तों वो हैदराबाद और कराची वाले ट्रैक को जाता था जो पाकिस्तान से होके आगे सिंध की तरफ जाता था दोस्तों। एक यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब भी हम यहाँ पे स्टीम इंजन आके रुका करते थे तो टैंकी के ऊपर से चढ़ के पाइप नीचे फेंक देते थे इस टैंकी से,
और जल्दी से जल्दी उनको भरना होता था क्योंकि 10 से 15 मिनट ही वो रुकती थी और फिर जो मुसाफिर वगैरह थे वहाँ पे बैठे और वो आगे चले गए। 1940 के बाद जब किरायेनामे में थोड़ा सा इजाफा हुआ तो जिसमें जो मुसाफिरों की तादाद थी वो थोड़ी कम हो गई। अदरवाइज़ ये अब आप देख रहे हैं कि इसका जो जो हाल है वो तो थोड़ा पुराना है। ये जो स्टीम इंजन को पानी प्रोवाइड करना पड़ता है वो बिल्डिंग टैंक ही दूर बनाई है, अगर उसको नुकसान भी हो थोड़ा सा, इस मेन बिल्डिंग से थोड़ी हट के दूर बनाते थे तो वो अगर नुकसान भी हो तो उसको इसका फ़र्क इस पे ना पड़े फ़र्क। दोस्तों ये जो दरख्त वगैरह देख रहे हैं ये भी तब से पुराने ही लगे हुए हैं क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, 130 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन जो पाक इंडिया बॉर्डर के इंतहाई करीब है और पाकिस्तान के बहावल नगर बहावलपुर समासटा जंक्शन से होता हुआ इंडिया के फाजिलका और बठिंडा में जाके मिलता है। दोस्तों साथ ही साथ एक बात का मैं इजाफा करता चलूं कि ये पाकिस्तान के स्टेशन से आगे इंडिया यहाँ से ट्रेन गुजर के इस तरफ जैसे जब जाती थी तो तब इस जो जो जितनी भी ये इनकी जो हैं लाइनें बिछाई हुई इनके इर्द गिर्द एक बाड़ लगा दी जाती थी और उनको कहा जाता था मुसाफिरों को कि आपने इस बाड़ के करीब नहीं आना क्योंकि अब ट्रेन आने वाली है। तो जैसे ही ट्रेन करीब आती थी तो वो मुसाफिरों को पीछे कर देते थे और वो जो ट्रेन थी वो गुजर जाती थी और फिर जो भी लोगों के मवेशी वगैरह थे वो अपना काम करते थे। 1940 से पहले जब इसका नाम मिकलोडगंज रोड जंक्शन था तो तब दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो मुसाफिर थे वो इंडिया जाने वाले थे। पाकिस्तान की आज़ादी से पहले की ये बातें हैं, मैं आपको थोड़ा और करीब से दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों ये इसकी हालत बहुत ही पुरानी हो चुकी है क्योंकि 130 साल में लकड़ी ज़्यादा घुन खा के गिर जाती है, लेकिन ये फिर भी मटीरियल इतना थोड़ा सा सख्त है कि अभी तक ये टिका तो हुआ है, कदीम इमारत के तौर पर सामने तो है। इनके अंदर की क्या हालत है क्योंकि कभी कभी मुलाजिम आके सफाई कर जाते हैं, इनके कमरे थोड़े से साफ़ हैं। दोस्तों ये वो रेलवे मुलाजमीन के कमरे हैं, यहाँ पे लोग आके अपने बैठा करते थे और जो अपने काम वगैरह थे मुसाफरों से डीलिंग वगैरह थी वो करते थे। लकड़ी सख्त है, बेंच वगैरह तो अभी भी पड़े हुए हैं, ये आज़ादी से पहले के बेंच हैं, पाकिस्तान के बनने से पहले की ये इमारत आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके 200 दरवाज़े तकोन नुमा हैं, आप देख रहे हैं दरवाज़ा खोलते हैं और अभी तक तो लॉक लगे हुए हैं, लॉक भी बड़े मजबूत के इन्होंने लगाए हुए हैं। तो अंदर थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कमरा कितना साफ़ है, टेबल और एक चेयर पड़ी है, नीचे कारपेट बिछाया हुआ है। अभी भी लोग जो अमला मैं बता रहा था आते हैं, दो मुलाजम वो सफाई वगैरह करते हैं ताकि ये घुन ना खाए और जो भी अजाफी वगैरह चीज़ हो तो वो उसकी देखभाल के लिए उन्होंने तैनात किए हुए हैं। मुसाफिर नामों के लिए अलहदा अलहदा जगह पर इन्होंने चिट्टे वगैरह लगाई हुई थी ताकि लोग जो डॉज ना खाएं और उनको आसानी हो टिकटें वगैरह लेने में। छतें काफ़ी कदीम हैं, पुरानी बालों की और गार्डर बना के इन्होंने डाले हुए थे। तो दरवाज़े जो भी इनके तकोन नुमा हैं, ऐसा दरवाज़ा अभी तो नहीं आई है क्योंकि ये पुराने दरवाज़े हैं, इमारत पुरानी है तो जो इसके मटीरियल है वो भी पुराना होगा। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ, ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसके बैक साइड का इलाका है इस ट्रेन का, और साथ यहाँ पे एक गियर चेंजर है। यहाँ से दोस्तों ट्रेन का जो पटरी का रास्ता था वो बदल दिया जाता था, ये जंक्शन है क्योंकि मिकलोडगंज रोड वाला जंक्शन था, जंक्शन पर ये जो गियर चेंजर है ये होते हैं जो पटरी को चेंज कर देते हैं। अगर पटरी आई है आपने इसको आगे किया पीछे किया तो जो ट्रेन थी सख्त है, अभी तो जाम हुए पड़े हैं अभी क्योंकि ये काफ़ी टाइम से वर्किंग में नहीं है तो ये बहुत ही सख्त है। इसको आगे कर देते थे, इसको आगे किया तो ट्रेन की पटरी बदल गई खींच के, तब इसको ऑयल वगैरह दिया होता था तब फौरन हो जाते थे, अब तो बहुत सख्त हैं, इतना ज़्यादा ये लोहा है तो इसको भी वर्किंग में अब लाने का सोच रहे हैं। ये दोस्तों आपने इस ये आपने जो बिल्डिंग देखी है इस वक्त, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि मैंने ऐसे वीलॉग पहले भी चैनल पर अपलोड किए हैं। ये ऐसी कदीम इमारत देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जो मेरा पहले वीलॉग था वो भी ऐसे ही एक बॉर्डर पर आखिरी जो स्टेशन है अमरुख हाउस का था। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट आप मेरे चैनल पर किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं, आपने लाजमी किस कदीम शहर की जो वीडियो देखना चाहते हैं आपने लाजमी कमेंट करके बताना है। जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम लेके मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।